नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका इस डिफेंस सेगमेंट में। और इस डिफेंस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं आज ही तकरीबन 11:30 मॉर्निंग में टेस्ट किए गए DRDO द्वारा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर HST-DV के बारे में। और इसको लेकर बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि DRDO ने किस रेंज के लिए और कितने मार्क नंबर पर अपने इस टेस्ट को परफॉर्म किया है, और इस टेस्ट को DRDO का जो स्क्रैमजेट इंजन है वो कितने देर तक सस्टेन करने में सक्षम रहा है। तो इस तरह के कुछ क्वेरीज आ रही थी, तो इसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वैसे तो कोई ऑफिशियल डेटा सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से DRDO ने रिलीज़ नहीं किया है, लेकिन एक अनुमानित जो एम था DRDO का उसको लेके बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जाकर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वैसे तो अगर कुछ इंटरनल सोर्सेज की माने तो जिस Agni-1 के बैलिस्टिक मिसाइल बूस्टर के द्वारा HST-DV को बूस्ट किया जाना था या फिर लॉन्च किया जाना था, उस Agni-1 के बैलिस्टिक कैरियर ने अपना काम सही से नहीं किया है। और ऐसा मानना है कुछ इंटरनल सोर्सेस का, और जिसका डायरेक्टली परिणाम ये होता है कि ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर अपने एम को अचीव करने में सक्षम नहीं रहा होगा। वैसे तो HST-DV के सक्सेसफुल टेस्ट के लिए DRDO का कोई ऑफिशियल मीडिया रिलीज नहीं है, लेकिन इस टेस्ट के लिए बहुत सारे मंत्रियों ने DRDO को कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भेजा है। सो अभी इस चीज़ को लेकर स्पेकुलेशन बनी हुई है कि यह टेस्ट सक्सेस रहा है या नहीं, क्योंकि अगर आपका बूस्टर लॉन्चर ही अपने फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर रहा था तो आप एक हाइपरसोनिक स्टेट को कैसे अचीव करने में सक्षम होगे। तो इस चीज़ को लेके अभी मीडिया में दो राय हैं। अगर इस पर कोई भी रिपोर्ट आती है तो हम अपने कम्युनिटी सेक्शन में जरूर पोस्ट करेंगे। फिलहाल जो DRDO का एम था इस टेस्ट को लेके उसे जान लेते हैं। अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा है तो कौन कौन से एम को DRDO ने अचीव किया होगा। सो इस HST-DV के रिजल्ट्स के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि DRDO का एम क्या था इस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को टेस्ट करने को लेके। तो ये थे DRDO के कुछ मुख्य एम्स। वैसे तो DRDO ने कोई भी ऑफिशियल डेटा रिलीज नहीं किया है कि क्या स्पीड अचीव की गई है और कितनी देर तक अचीव की गई है, लेकिन इस एम के थ्रू हम एक वेग आइडिया लगा पाएंगे कि अगर DRDO ने इस टेस्ट को सक्सेसफुल बताया है तो वो स्पीड और टाइम क्या रहा होगा। तो इस टेस्ट के दौरान जिन टेक्निक को DRDO प्रूव करना चाहती थी उनमें से आपका है पहला एयरो प्रोपल्शन सिस्टम, जिसका मतलब ये है कि इस सिस्टम के द्वारा इस टेक्नोलॉजी में एक लो प्रेशर रेशियो अचीव किया जाता है और जिसके अकॉर्डिंग किसी भी सिस्टम की जो पॉलीमेट्रिक एफिशिएंसी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, और जिसका परिणाम ये होता है कि जो फ्यूल कंजम्पशन होता है उस सिस्टम का इम्प्रूव होता है। तो इस एयरो प्रोपल्शन सिस्टम को टेस्ट करके DRDO अपने ओवरऑल जो HST-DV की टेक्नोलॉजी है उसमें वेट रिडक्शन के साथ जो लिफ्ट फोर्स है उसे भी टेस्ट करना चाह रही थी। तो ये आपका ओवरऑल एयरो प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है। इसके साथ ही DRDO कुछ और टेक्नोलॉजी को इसमें टेस्ट करना चाह रही थी इस टेस्ट के दौरान, कि किस तरह के मटेरियल कितने टेम्परेचर को बियर कर पा रहे हैं और इस सिस्टम का ओवरऑल एरोडायनेमिक्स किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो ये कुछ मुख्य टेक्नोलॉजी हैं जिसे DRDO प्रूव करना चाह रही थी HST-DV के टेस्ट के दौरान। और इसी टेस्ट के दौरान DRDO का ऐसा अनुमान था, और जैसे कि उनका ये पहले ही एम रह चुका है, कि अपने HST-DV के टेस्ट के दौरान DRDO तकरीबन कम से कम 3 मिनट का टाइम ड्यूरेशन अचीव कर पाए हाइपरसोनिक स्टेट में स्क्रैमजेट इंजन के द्वारा। सो ये कुछ DRDO के पहले से ही एम थे HST-DV के फ्लाइट टेस्ट को लेके। वैसे तो ये सारे टेस्टिंग लैब्स में एक स्मॉल स्केल मॉडल पे किए जा चुके हैं, लेकिन इन्हें एक्चुअल फ्लाइट टेस्ट में टेस्ट करके ये डेटा कैलकुलेट करने का DRDO का एम रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर DRDO ने इस टेस्ट को सक्सेसफुल बताया है तो इसका मतलब यह है जो DRDO का एम था कि अपने HST-DV के टेस्ट में जो स्पीड है उसे 4 से लेकर 8 मार्क के बीच में अचीव की जाए, और वो भी तकरीबन जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है उसका जो टाइम ड्यूरेशन हो वो 2 मिनट से ऊपर का हो। तो ये कहीं ना कहीं DRDO का एम था, और अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल बताया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि DRDO ने अपने एम को अचीव किया है। और इससे पहले भी हम अपने HST-DV के वीडियो में बात कर चुके हैं, DRDO अपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर में डुअल मोड रैम स्क्रैमजेट इंजन का यूज कर रही है, और इसमें बहुत सारे हाई टेम्परेचर वाले मटेरियल्स का यूज हो रहा है। और इसके लिए जो फैसिलिटी थी, जो इसकी टेस्ट लैब फैसिलिटी थी, वो 2013-14 तक इंडिया में अवेलेबल नहीं थी, लेकिन उस टेस्ट फैसिलिटी में DRDO और मॉड इन्वेस्ट कर रही थी। और तब जाके कुछ फैसिलिटी जैसे कि हाई एंथैल्पी टेस्टिंग फैसिलिटी और सॉक टनल टेस्टिंग फैसिलिटी, तो ये कुछ ऐसे लैब्स हैं जिसे 2016 और 2018 में अचीव किया गया है, और जिसके बाद ही HST-DV को इसमें टेस्ट किया गया है। और इस टेस्ट में तकरीबन 4 लैब्स का योगदान रहा है, जैसे कि हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्टिंग, सेमी फ्री जेट फैसिलिटी, हाई एंथैल्पी फैसिलिटी और सॉक टनल टेस्टिंग। इसमें से जो सॉक टनल टेस्टिंग है उसे IISC बेंगलोर में बनाया गया है, और ये इस तरह के प्रोजेक्ट में लगने वाला पहला लैब था जिसे 2003-2004 में बनाया गया था। तो ये बेसिकली करता क्या है, ये 1 मीटर डायमीटर वाले सिलिंड्रिकल टैंक के थ्रू एक पर्टिकुलर मार्क नंबर पे
एयर का फ्लो प्रोवाइड करता है जिसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, और उसमें जो एनर्जी होती है, जो एंथैल्पी होती है, वो 3 मेगा जूल पर केजी की होती है। तो इस तरह का स्पेसिफिक एयर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने में सक्षम है, जिससे कि आपका सिस्टम किस तरह से एयरोडायनेमिकली बैलेंस्ड है ये चीज़ पता लगाया जा सकता है। वहीं पे जो दूसरी टेस्ट फैसिलिटी है, जिसे हाई एंथैल्पी टेस्ट फैसिलिटी के नाम से बताया जाता है, तो जैसा कि हमने इससे पहले बात की है कि DRDO का एक एम था कि एयरो प्रोपल्शन सिस्टम को अचीव करे, तो उस सिस्टम को सिमुलेट करने के लिए, वैसा इन्वायरमेंट देने के लिए कि एक हाइपरसोनिक स्टेट में किस तरह का कन्फ्रंटेशन होगा हमारे सिस्टम का एयर के साथ, वहाँ पे एयर की कंडीशन क्या होगी, किस टेम्परेचर का एयर होगा, तो इन सभी कंडीशन को असेस करके ये फैसिलिटी क्या करता है, आपको एक हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की एयर प्रोवाइड करता है जिसका मास फ्लो रेट कहीं ना कहीं 0.5 kg/s होता है, और जो कि तकरीबन 20 बार का प्रेशर प्रोवाइड करने में सक्षम होता है अपने साथ, अपने एयर के साथ। और इस चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रिक फर्नेस की आवश्यकता होती है, जो कि एयर को एक हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर सके, और ये फर्नेस कहीं ना कहीं 200 किलोवाट से लेके 250 किलोवाट के होते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये टेक्नोलॉजी भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और इसे भी इंडिया ने अपने लेटर फेज में अचीव किया है HSTDV के डेवलपमेंट में, और जो बाकी की फैसिलिटी हैं वो इंडिया में पहले से ही मौजूद थी, जैसे कि सेमी फ्री जेट फैसिलिटी। तो इन सभी फैसिलिटी और लैब्स का यूज़ करके HSTDV को अब तक टेस्ट किया जा रहा था, लेकिन अब इसका जो एक्चुअल इन्वायरमेंट में टेस्ट हुआ है उसमें DRDO ने जरूर अपना डिजायर्ड मार्क नंबर अचीव किया है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को लेके, तभी इस टेस्ट को सफल बताया जा रहा है। जय हिंद।